दावा है कि 36,000 वेंडर है और 1.5 लाख के करीब परिवार को मिला दिया जाए तो वोट है, तो 1.5 लाख अगर वोट जो है बीजेपी को जो मिलता था, बीजेपी दावा करती है कि वेंडर हमारे साथ है और वेंडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बगल में है और ये दावा कर रहा है कि 36,000 वेंडर इस बार महागठबंधन को वोट करेंगे यानी इंडिया गठबंधन के काजल निषाद को वोट देंगे, तो फिर रवि किशन का क्या होगा? हम भाई साहब से ही समझ, जो हाल हम लोग का हुआ है, स्ट्रीट वेंडरों का हुआ। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में कुछ लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैकर दिवस है, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। किस लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं? प्रेस वार्ता हम लोग आज जैसे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 आज 26 मई के हमारे वेंडर्स द्वारा कुछ लोगों ने अपना आहुति देकर जान देकर इस कानून को आज ही के डेट में कानून पारित कराया था, इसी के माध्यम से हम लोग आज उनका कानून का जो दिवस वही मनाया जा रहा है, हैकर दिवस मनाया जा रहा है। 24 का चुनाव सामने है, आप लोगों की संख्या कितनी? गोरखपुर में 36,000 रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स हैं। 36,000 के करीब, 36,000 औसत तो 1.5 लाख से ऊपर है। 36,000 के करीब संख्या है। चुनाव में वेंडर कहाँ जा रहा है? चुनाव में इस बार वेंडर देखा जाए तो गठबंधन को वोट सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि अधिकतर इस सरकार में किसी भी वेंडर को सही तरीके से 10 साल हो गया कानून बने हुए, लेकिन 10 साल में किसी भी तरीके से पूरे वेंडरों को आज तक सर्वे नहीं किया गया, सही ढंग से इनको जहां भी वेंडिंग जोन बना इनको व्यवस्थित नहीं किया गया। इसी वजह से इस बार, हर बार हम लोग भाजपा को सपोर्ट करते थे लेकिन इस बार हम लोग नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि हम लोग का प्रतिदिन अधिकारी द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। किशन से यहाँ के सांसद हैं, उनसे इस बारे में चर्चा की है कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है हम लोगों का? हाँ, 2-3 बार हम लोग रवि किशन जी से मिले, 3 बार मिले और जो वेंडिंग जोन अगर देखा जाए, वेंडिंग जोन आरकेपी के पास एक वेंडिंग जोन बना था, उस मुद्दे पर भी हमने उनसे मिला और उनसे बताया कि देखिए यहाँ पर प्रतिदिन प्रति दुकानदार से वहां पर भू माफिया द्वारा 50 रुपए प्रतिदिन एक वेंडर से वसूली की जा रही है। 3 बार लेटर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ और आज के भी डेट में वहां वेंडरों से भू माफिया द्वारा प्रतिदिन एक ठेले वाले से 50 रुपए वसूली की जा रही है। कई बार हम लोग ये बात आप लोग रवि किशन से, हाँ रवि किशन जी से, ये भैया ये वेंडर लोग हैं और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये कह रहे हैं कि 50 रुपए की वसूली की बात हमने जब सांसद जी से कहा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया काम करने से इनकार कर दिया। वो कहे कि चलिए ठीक है, अगले बार आके मिलिएगा। अगले बार हम लोग जब गए वहां पर हम लोग बैठे रहे, 50 लमसम 100 के संख्या हम लोग जाकर वहां पर बैठे, लेकिन वहीं से वो घर से अपने निकले और गाड़ी में बैठे चले गए। तो फिर हम लोग जब भी हम लोग मंदिर पे भी गए, मंदिर पे जाकर हम लोग एक लेटर दिए थे, जनता दरबार में भी लेटर दिए, रात्रि में हम लोग पूरे रात नहीं सोए जाकर वहां पर हम लोग मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में हम लोग गए थे, तो दो मरतबा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिए और मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से हम लोग का ज्ञापन लिए भी, और जो मुख्यमंत्री जी हम लोग का ठेला दिए थे उसको भी नगर निगम ने तोड़ दिया। हमने प्रवर्तन दल और नगर निगम की टीम से बताया कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ठेला दिए हैं, तो कह रहे हैं रोड पे लगाओगे, हम कह सर कहाँ लगाए थे, कह रहे तुमको जेल में डालेंगे, ये बातें होती है मुख्यमंत्री जी आखिर आप लोग महागठबंधन से? जी बिल्कुल, हमारी कई फरियाद हम भी सुनी। 36,000 के करीब इनका दावा है कि 36,000 वेंडर है और 1.5 लाख के करीब परिवार को मिला दिया जाए तो वोट है, तो 1.5 लाख अगर वोट जो है बीजेपी को जो मिलता था, बीजेपी दावा करती है कि वेंडर हमारे साथ है और वेंडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बगल में है और ये दावा कर रहा है कि 36,000 वेंडर इस बार महागठबंधन को वोट करेंगे यानी इंडिया गठबंधन के काजल निषाद को वोट देंगे, तो फिर रवि किशन का क्या होगा? हम भाई साहब से ही समझ, जो हाल हम लोग का हुआ है, स्ट्रीट वेंडरों का हुआ, हम लोग की दुकानें हटी, कोई भी पॉलिटिकल नेता बड़ा हुआ चाहे छोटा हुआ कोई भी नहीं आया हालचाल पूछने, कोई अधिकारी भी जांच नहीं करने आया, कोई नेता हम लोग के साथ नहीं खड़ा हुआ, हम लोग का उत्पीड़न रोके या कुछ भी करवाए कोई साथ नहीं दिए, जैसे हम लोग यहाँ देखिए जी अगर साथ दिए हैं, अगर आयुक्त से बात करना है जिनसे भी बात करना, हमारे ये जो प्रदेश अध्यक्ष संदीप मदेसिया जी यही बातचीत की है और इसी नाते हम लोग इनके साथ खुल के समर्थन कर रहे हैं। संदीप मदेसिया जो कह देंगे आप लोग वही करेंगे सर। क्या भैया इधर आइए, क्योंकि हमारे क्या नाम है? मनोज। हाँ मनोज, किस चीज की दुकान है? फल की दुकान है, आरकेपी के पास। कोरोना काल में सब्जी बेचते थे कि फल बेचते थे? नहीं फल ही बेचते थे, फल बेचते थे जी। कोरोना काल में भी अभी आप चर्चा कर रहे थे आप कैमरा, तो आप बता रहे हैं कि हम लोग सब्जी पहुंचाते थे, जब पार्षद लोग फेल हो गए गोरखपुर के पार्षद, तो यही वेंडर जो है
लोगों के घरों तक सब्जी पहुंचाते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय भी देखिए कोरोना काल में 1000 रुपया सरकार ने दावा किया था कि प्रति दुकानदार को 1000 रुपया 3 महीने 1000-1000 रुपये खाते में डाला जाएगा, लेकिन 36,000 वेंडरों में मात्र 100 वेंडरों को खाते में मात्र 1000-1000 रुपया डाला गया। उसके बाद वो भी एक बार, उसके बाद नहीं डाला गया। लेकिन ये वेंडर अपना जान जोखिम में डालकर सारे लोगों के घर सब्जी फल पहुंचाने का काम किया। लेकिन उस समय भी अगर वेंडर नहीं रहे होते तो फिर क्या नौबत आती? सरकार दावा करती है, सरकार अभी तक 10,000 रुपया पीएम स्वनिधि के तहत लोन देकर सरकार दावा कर रही है कि हम वेंडरों को लोन दे रहे हैं। लोन देने के बाद प्रति हर चौराहे से हर जगह से इनको प्रतिदिन लाठिया खाना पड़ रहा है। तो आखिर में वेंडर क्या करेंगे? मजबूरी है, नहीं तो पूरे वेंडर्स एक तरीके से 2014, 2019, 2022 में भी चुनाव में हम लोग मेयर के चुनाव में भी जहां तक हम लोग प्रचार किए थे, भाजपा को एकदम खुलेआम सपोर्ट किए थे, सारे वेंडर रैली में गए थे। लेकिन इस बार इतने उत्पीड़न हो गया है कि अब हम लोग कुछ कहा नहीं जा सकता। अब की बार एकदम हम लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। काजल निषाद से बात नहीं हुई, लेकिन हम लोग एकदम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि तंग आ गए। तो वेंडर लोग हैं, 36,000 की संख्या है और 1.5 लाख के करीब इनके वोटर परिवार के वोटर हैं। और ये दावा कर रहे हैं कि 36,000 वेंडर बीजेपी के साथ न जाकर गठबंधन के प्रत्याशी काजल निषाद को वोट करेंगे। तो फिर सवाल उठता है, रवि किशन जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ एक तरफा चुनाव जीत रही है, उसमें ग्रहण लगते हुए नजर आ रहा है। ऐसी इन खबरों के लिए आप देखते